हाय फ्रेंड्स, अप्लाइड केमिस्ट्री में आज चैप्टर 6 शुरू करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मिनरल्स, ओर्स, मेटलर्जी, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है मेटल्स, इसकी डिफिनेशन जानते हैं। तो मेटल के अंदर जो है एक अलग ही प्रॉपर्टी पाई जाती है नॉन मेटल से डिफरेंट, जैसे डक्टिलिटी। इससे जो है खींचकर तार बना सकते हैं, इसे जो है हथौड़े से पीट करके इसकी जो है इसे चदरा में ढाला जा सकता है। फिर इसमें जो है एक अलग ही साउंड होती है। इनकी जो है कई प्रॉपर्टी है। मेन प्रॉपर्टी इन सब में है या जो है हीट और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। तो इन सब के आधार पे मेटल्स को डिफाइन करते हैं। दोज एलिमेंट्स विच आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तत्व जो हार्ड हों और विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक हों मेटल्स कहलाते हैं। इनमें डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। फिर दूसरा अगर टाइप से डिफाइन करें तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करने का गुण रखते हैं, प्रॉपर्टी होता है इनमें। एग्जाम्पल है इसके आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी जो है सारे मेटल्स हैं। इसके बाद नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो है अपोजिट होता है मेटल का। दोज एलिमेंट्स विच आर सॉफ्ट, हार्ड वो था ये सॉफ्ट होते हैं, एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, तो ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल्स जो है इनमें प्रॉपर्टी होती है दूसरों से, जब ये किसी से बंधन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके एग्जाम्पल है सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, गैसें जितनी भी है वो नॉन मेटल है। सल्फर ये भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बाद मिनरल्स है। मिनरल्स मीन्स खनिज, मीन्स जो भी पदार्थ जमीन के अंदर से या अर्थ क्रस्ट से बाई डगिंग मीन्स खोद कर निकाला जाता है वो मिनरल्स कहलाते हैं। इनमें जो है जो धातुएं हैं वो कंबाइन अवस्था में पाई जाती है। द नेचुरल सबस्टेंस प्राकृतिक पदार्थ है इन विच मेटल्स ऑक्योर आइदर इन नेटिव स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो खनिज हैं ये। तो ओर्स जो है ये एक टाइप मिनरल का ही टाइप है। मिनरल जैसे सभी मिनरल ओर नहीं हो सकते। मिनरल जो ओर होते हैं मुख्य रूप से उनमें किसी मेटल के पाए जाने की जो है संभावना मैक्सिमम होती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मीन्स उससे धातु जो प्राप्त करेंगे उसकी मात्रा मैक्सिमम होगी, तो ये ओर कहलाता है। एन ओर इज ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। एक अयस्क जो है एक मिनरल है जो मेटल, जिससे हम मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और जान लेते हैं आयरन के ओर। ये 1 मार्क्स में एग्जाम्पल डायरेक्ट आ जाता है, एग्जाम्पल ऑफ आयरन ओर, तो हेमेटाइट। फिर दूसरा जो है मैग्नेटाइट, Fe3O4। इसके बाद है ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है, Al2O3 × 2H2O बॉक्साइट।
ओर ऑफ कॉपर, कॉपर पाइराइट्स, CuFeS2। तो ये है, नेक्स्ट डे आगे करेंगे। थैंक यू।